बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के इस बयान पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने नाराजगी जताई है। वहीं भाजपा और शिंदे समूह ने भी शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि ठाकरे समूह सावरकर का अपमान करने वालों के साथ दे रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी के बयान पर ठाकरे खेमे की तरफ से कड़ी टिप्पणी आई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और उनके मिंदे गुट का वीर सावरकर के प्रति प्रेम अचानक उफन कर बाहर आया, लेकिन उन्हें इस तरह से उफरने का मौका राहुल गांधी ने दिया। ये सब टाला गया होता तो अच्छा होता। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में पहुँचते ही राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ, जनता का भरपूर प्रतिसाद मिला, यह सब अच्छी तरह से चल रहा था। इसी बीच राहुल गांधी को सावरकर के कथित माफी का मसला उठाकर भाजपा और मिंधे गुट के हाथ में मुद्दा देने की जरूरत नहीं थी। ये सच है कि इसलिए नकली हिंदुत्ववादियों को सावरकर प्रेम की हिचकियां आने लगी। वीर सावरकर अंडमान के काला पानी से अंग्रेजों से माफी मांगकर छूटे या मारिया बोट से कूदकर बाहर निकले, यह राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का मुद्दा नहीं था। देश में नफरत, द्वेष का फैलता जहर, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है। राहुल गांधी रोजाना करीब 15 किलोमीटर चलते हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग चलते रहते हैं। वहीं राहुल गांधी की जो छवि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने तैयार की है, उसे भेदने वाली उनकी यह भारत जोड़ो यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी नहीं कहे, फिर भी भारत जोड़ो यात्रा की दखल उन्हें लेनी पड़ रही है। अब राहुल गांधी का श्रम कष्ट उसके पीछे है, लेकिन अचानक वीर सावरकर के नाम से उनका मन अस्थिर हो जाता है और सभी किए धरे पर पानी फिर जाता है। ऐसा क्यों हो गया है? महाराष्ट्र में आकर सावरकर की कथित माफी मामला का कोयला घिसने से राज्य के कांग्रेस नेताओं की भी हालत बिगड़ गई होगी। राहुल गांधी ने हिंगोली में बयान दिया, सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, कांग्रेस के विरोध में सावरकर अंग्रेजों के साथ काम करते थे, इसके अलावा मुझे आज़ाद करो, मैं बाहर आते ही आपके आज्ञाकारी सेवक की तरह काम करूंगा, ऐसा भी सावरकर की याचिका में उल्लेख होने की बात राहुल गांधी ने कही है और उससे संबंधित दस्तावेज पत्रकारों के सामने लहराए, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी को यह कौन बताए। वहीं आपको बता दें, पिछले 8 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग शिवसेना करती रही है। ये लोग बहरे होने की भूमिका अपनाते हैं, इसे ढोंगना कहा जाए तो क्या कहा जाए। वीर सावरकर का सम्मान हो, ऐसा एक भी काम फडणवीस मोदी ने नहीं किया। राहुल गांधी द्वारा सावरकर की माफी का मुद्दा उठाते ही भाजपा वालों के विरोध के नाग बिल से बाहर निकलते हैं और फुफकार मारते हैं, लेकिन यह अवसर इन नागों को राहुल गांधी बार बार क्यों देते हैं, ये संशोधन का विषय है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में फैल रही तिरस्कार व देश की राजनीति के विरोध में है, लेकिन वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता वीरों के मामले में राहुल गांधी के मन में कूट कर भरा तिरस्कार पहले नष्ट होना चाहिए। महाराष्ट्र वीर सावरकर को मानता और आदर करता है, उनके पराक्रम का सम्मान करता है और करता रहेगा।